इसे कहते हैं लाजवाब तोहफा। पिंटिन के पेन के अलावा भी एक ऐसा आदमी है जो हीरो बनने के लिए परफेक्ट है और वो है ग्रैंपा मैक्स। ग्रैंपा? हाँ क्यों नहीं, ग्रैंपा मैक्स एक प्लम्बर, एक एस्ट्रोनॉट, एक टीचर, अर्थ का मैजिस्टर, एयरफोर्स का फर्स्ट लेफ्टिनेंट, नासा का एक मेंबर होने के साथ साथ इस दुनिया को बचाने वाला एक हीरो बन चुके हैं। सो ग्रैंपा मैक्स के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। फैक्ट नंबर वन, मैक्स टेनिसन अलग अलग एजेस में हमें देखने को मिले हैं। डोंट ड्रिंक द वाटर में वो 10 साल के थे, मूनस्ट्रक में वो 17 साल के थे, बेंटेन ओरिजिनल में उनका एज 59 से 60 के बीच था, ओमनिवर्स फ्लैशबैक में 60 से 61, एलियन फोर्स में 64 से 65, अल्टीमेट एलियन में 65, ओमनिवर्स में 66। फैक्ट नंबर टू, ओमनिट्रिक्स मैक्स टेनिसन के लिए बनाया गया था, पर बेन का डीएनए ग्रैंपा के डीएनए से सिमिलर था, इसलिए ओमनिट्रिक्स बेन के साथ अटैच हो गया। ओमनिट्रिक्स तुम्हारे लिए नहीं बना था, वो तुम्हारे ग्रैंडपा के लिए बना था जो मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे महान प्लम्बर थे। पर वो मुझे मिला था गलती से, किस्मत से तुम्हारा डीएनए सिग्नेचर मैक्स के काफी करीब था, इसलिए तुम उसे पहन सके। अगर ग्रैंडपा ओमनिट्रिक्स को यूज करते तो दो रूटर्स उन्हें एक खतरा नहीं मानते। फैक्ट नंबर थ्री, मैक्स टेनिसन ये जो लकी शर्ट पहनते हैं वो उन्हें ग्वेन के भाई केन ने गिफ्ट किया था। उन्हें शर्ट इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे ओमनिवर्स फ्यूचर में भी पहना हुआ है। लेकिन आप नोटिस करना कि बेंटेन में कुछ साइड कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने ऐसा शर्ट पहना हुआ है जो रियली बहुत फनी है। फैक्ट नंबर फोर, ग्वेन चैमकेस्टर की बुक से मैजिक परफॉर्म करती थी, इसलिए ग्रैंपा को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ग्वेन की पावर उसके ग्रैंमा से इनहेरिट होके आई है। पर जब ग्वेन बड़ी हुई तब उसकी पावर उसके ग्रैंमा के पावर से पूरी तरह सेम हो गई थी, इसलिए ग्रैंपा को बिलीव हो गया कि ग्वेन के ये पावर्स मैजिक नहीं है बल्कि उसे ये पावर्स उसके ग्रैंमा से मिली है। फैक्ट नंबर फाइव, प्रोडक्शन के टाइम ग्रैंपा को आइदर एक साइंटिस्ट बनाए जाने वाला था या फिर एक एवरेज प्लम्बर बनाए जाने वाला था। बाद में उन्हें एक पावरफुल प्लम्बर बनाया गया जो पूरे 5 साल तक प्लम्बर्स के मैजिस्टर थे और एलियन अटैक से पृथ्वी को बचा रहे थे। फैक्ट नंबर सिक्स, बेंटेन में सबसे फनी बात ये है कि कुछ लोग ग्रैंपा के एलियन स्टाइल कुकिंग को पसंद नहीं करते हैं, स्पेशली पेन, ग्वेन और केबिन। उन्हें ग्रैंपा के हाथ से बना खाना डिस्गस्टिंग लगता है। देखो बेटे, कहानियाँ बारबेक्यू स्क्विड जैसी होती है, जल्दबाजी से काम बिगड़ता है। स्क्विड? मुझे लगा ये चिकन बर्गर है। तभी तो ये हाथ पैर निकले हैं। और कुछ एलियन कैरेक्टर्स को ग्रैंपा का खाना अच्छा लगता है, जैसे कि चाइलिन ग्रैंपा के बनाए खाने का काफी एंजॉय करती है। और रुक भी ग्रैंपा की कुकिंग की काफी तारीफ करता है। क्या बात है, तुम इन डिशेस के बारे में जानते हो, ये मेरी दादी को बहुत पसंद था। फैक्ट नंबर सेवन, जब मैक्स 17 साल के थे तब वो बिल्कुल केविन की तरह ही थे। उन्हें तब कार चलाना बहुत अच्छा लगता था, जैसे केविन को कार ड्राइव करना बहुत पसंद है, उनके पास कार ड्राइविंग का काफी एक्सपीरियंस है। फैक्ट नंबर एट, रेक्स के यूनिवर्स, मैडमैन के यूनिवर्स और डायमेंशन 23 में ग्रैंपा मैक्स का काउंटर पार्ट एग्जिस्ट नहीं करते है, पर नो अचबेन के टाइमलाइन में ग्रैंपा मैक्स एग्जिस्ट करते है और उनका हाथ अभी से ही टूट चुका है, रिप्लेसिंग विथ ए रोबोटिक हैंड। फैक्ट नंबर नाइन, गुल्टिन एपिसोड के एंडिंग में ओमनिट्रिक्स ग्रैंपा मैक्स के कलाई पे था। इस हिसाब से अस्मत का इंटेंशन सक्सेसफुल रहा, उन्होंने ओमनिट्रिक्स ग्रैंपा के लिए बनाया था और ओमनिट्रिक्स उन्हें ही मिला। ओमनिवर्स में हमें कई अल्टरनेट टाइमलाइंस दिखाए गए हैं, पर एक ऐसा अल्टरनेट टाइमलाइन भी एग्जिस्ट करता है जहां ग्रैंपा के कलाई पे ओमनिट्रिक्स है और ये है मैक्स 10 टाइमलाइन। फैक्ट नंबर 10, फ्यूचर में मेडिसिन बहुत एडवांस हो चुके हैं, यही वजह है कि मैक्स टेनिसन अभी भी काफी यंग दिख रहे हैं। बिंटेन थाउजेंड से केंटेन के टाइम में ग्रैंपा मोटे से पतले हो गए थे क्योंकि उनकी एज ज्यादा होने की वजह से उन्हें अब फ्यूचर का हेल्दी डाइट फॉलो करनी पड़ रही है। अब वो एलियन फूड कुक नहीं करते है। अब बिंटेन से रिलेटेड कुछ दूसरे फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 11, गैल्वेंस इतने जीनियस है कि उन्होंने खुद ही 3 आर्टिफिशियल क्रिएचर्स को क्रिएट किया है। नंबर 1, गैल्वेनिक मेकामॉर्फ्स, इन्हें मैकेनिकल जीनियस कहा जाता है जो एक्सीडेंटली क्रिएट हुए थे। नंबर 2, बोलोटिकोस बायोप्सिस, इन्हें अस्मत अपने असिस्टेंट की तरह यूज करते हैं। नंबर 3, नॉल गार्डियंस, जो नॉल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 12, नॉल गार्डियंस को अस्मत ने नहीं बनाया है, इन्हें किसी दूसरे गल्वन ने बनाया है। ओरिजिनली नॉल गार्डियंस सिर्फ ऐसे लाइफ फॉर्म्स थे जो कि नॉल वर्ल्ड में रहते थे, ये बात हमें पिंटेन एलियन फोर्स में पता चला था। फैक्ट नंबर 13, ऑटोमोटिव में ऑटो का लुक रेड डस्टमैन के पेक्सी कंप्यूटर से सिमिलर है, इन दोनों का ही फेस पैटर्न हमें देखने को मिलता है। इस एपिसोड में ही हमें ट्रांसफॉर्मर जैसे फॉर्मेशंस देखने को मिला है। फैक्ट नंबर 14,
बिन ओमनिट्रस के मदद से एलियन में ट्रांसफॉर्म हो पाता है, पर जब केविन बिना ओमनिट्रस के ही एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहा था तो वो उसके एलियन ट्रांसफॉर्मेशन का कलर बिन के एलियंस के मुकाबले ज्यादा डार्क था। फोरआर्म्स, हीट ब्लास्ट, टिंक फ्लाई में हमें ये अच्छे से देखने को मिलता है, पर अपग्रेड और डायमंड हेड में ये नोटिस करना काफी मुश्किल है। फैक्ट नंबर 15, साइबर स्क्विड्स के टाइम ग्रैंपा मैक्स ने कहा था कि मेरे नौकरी के 28 सालों में मुझे आज तक पता नहीं चला कि बरमुंडा ट्रायंगल के पीछे कौन है। 28 साल तक मुझे ये पता नहीं चला कि बरमुंडा ट्रायंगल के पीछे कौन है जो अब हमें मारने आ रहे हैं। इसका मतलब ओरिजिनल सीरीज के 28 साल पहले उन्होंने प्लम्बर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। फैक्ट नंबर 16, जेस्कर यूनिवर्स के सारे क्रिएचर्स को म्यूटेंट करके यूनिवर्स पर राज करना चाहता था। ठीक ऐसा ही प्लान था डॉक्टर एनिमो का, डॉक्टर एनिमो एंड द म्यूटेंट रे एपिसोड में। वो ओमनिट्रस के उस पार्ट की मदद से लोगों को म्यूटेंट करके अर्थ के ऊपर राज करना चाहता था। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है डॉक्टर एनिमो एंड द म्यूटेंट रे वाला एपिसोड पूरे बेन 10 का एक ऐसा एपिसोड है जिसमें बेन ने अपने किसी सिंगल एलियन को यूज नहीं किया है, क्योंकि इस पूरे एपिसोड के दौरान वो सिर्फ फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ है। और बेन 10 एक ऐसा एपिसोड है जिसमें बेन नहीं था, वो बेन 10,000 था। इसके अलावा बाकी सभी एपिसोड में हमने बेन को देखा है, पर बेन 10 यूनिक है।